सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम मैडम क्यूरी। बहुत पुरानी बात है, एक छोटी सी बालिका दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंची और पूछा, पिताजी 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 पिताजी। हाँ बेटे। पिताजी, वो आपकी अलमारी में बोतलें और शीशियां, तराजू, ये सब क्या है? वो बेटे, वो विज्ञान के प्रयोग का कुछ सामान है। विज्ञान के प्रयोग? क्या मतलब? विज्ञान के प्रयोग? देखो बेटे, विज्ञान के प्रयोग का सही मतलब तुम तब समझोगी जब बड़ी हो जाओगी। हाँ, अभी तो तुम ऐसा करो कि खूब मन लगा कर पढ़ो। हम्म, पढ़ोगी ना? हाँ पिताजी। साथियों, जानते हो ये बालिका कौन थी? ये थी मान्या, जो बाद में मैडम क्यूरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मान्या के बचपन के दिन तो अच्छे बीते, पर जब वो बड़ी हुई तो उस समय उसके पिता के पास इतना धन नहीं था कि उसे कॉलेज भेज सकें। मान्या ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च निकल सके। इसके बाद वो विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए पेरिस चली गई। वहां मान्या विश्वविद्यालय में पढ़ने लगी। यहां सब उसे मारिया कहकर बुलाते, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा में मान्या को मारिया कहते हैं। यहां मारिया का अधिकांश समय विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में ही बीतता। जिसका परिणाम अच्छा निकला। मारिया, मारिया। क्या हुआ? अरे बहुत बहुत बधाई हो, तुम भौतिक विज्ञान की परीक्षा में प्रथम आई हो। सच? बिल्कुल सच, हमारे लिए तो ये गर्व की बात है। क्या कहती हो? और नहीं तो क्या, स्त्रियां तो विज्ञान में रुचि ही नहीं लेती, जबकि तुम तो प्रथम आई हो, प्रथम। साथियों, उन दिनों फ्रांस में स्त्रियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी मारिया ने सभी ऊंची परीक्षाएं पास की। कुछ समय बाद मारिया का विवाह विज्ञान के प्रोफेसर पियर क्यूरी के साथ हो गया। और मारिया श्रीमती क्यूरी बन गईं। अब पति पत्नी दोनों विज्ञान के प्रयोगों में लगे रहते। उनका अधिकांश समय प्रयोगशाला में बीतता। एक दिन, पियर, वो जरा रसायन देना इधर। ये वाला? हाँ। ये लो। और ये शीशी भी जरा। मेरे ख्याल से ये दूसरी शीशी भी तुम्हें चाहिए होगी। हाँ। ये दोनों ले। वो ट्यूब उधर रख दो। पियर, ये तो तुम जानते ही हो कि आजकल यूरेनियम के तरह तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं। हाँ मारिया, तुम ठीक कहती हो। और कच्चे यूरेनियम से एक प्रकार की प्रकाश किरणें निकलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने मारिया, लेकिन मारिया अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये प्रकाश किरणें हैं क्या। वही तो। अब तो क्या हमें इन प्रकाश किरणों का रहस्य नहीं खोजना चाहिए? क्या मतलब? मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो किरणें अवश्य ही कोई नया तत्व है, और उस तत्व की उपयोगिता अभी संसार से छिपी हुई है। अभी वो तत्व अज्ञात है, और उस अज्ञात तत्व की खोज में मैं भी तुम्हारे साथ हूं मारिया।
मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मारिया। फिर मैडम क्यूरी ने उस अज्ञात तत्व की खोज प्रारंभ कर दी। उनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आईं, जैसे कच्चे यूरेनियम की प्राप्ति, प्रयोगों के लिए स्थान की आवश्यकता, धन की समस्या आदि। इस बीच मैडम क्यूरी मां भी बन चुकी थी, उन पर काम का काफी बोझ पड़ रहा था। फिर भी वो साहस और धैर्य के साथ अपने काम में लगी रही। आखिर सन 1902 की एक रात्रि को वो महान क्षण आ ही गया जब मैडम क्यूरी को उनके परिश्रम का फल मिलने वाला था। देखो इसका क्या परिणाम निकलता है। ये मारिया, रात बहुत हो गई है, तुम थक भी गई हो, जाओ जाके आराम कर लो, मैं परिणाम निकलने तक यहाँ प्रतीक्षा करता हूँ। नहीं पियर, मैं अभी नहीं जाऊंगी। मुझे विश्वास है कि वर्षों की तपस्या का फल आज हमें जरूर मिलेगा। तुम कितनी मेहनत करती हो ना मारिया, घर का सारा काम करती हो, बाहर काम करके घर का खर्च चलाती हो, बच्ची को भी देखना, और फिर यहाँ प्रयोगशाला में दिन रात लगी रहती। तुम क्या कम मेहनत करते हो? खाने पीने तक का तो होश नहीं रहता तुम्हें। और अच्छा चलो छोड़ो ये सब, हम दोनों ही चलते हैं। पहले कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, और जब बच्ची सो जाएगी तो देर रात को आकर इस प्रयोग का परिणाम देखेंगे। चलो आओ। चलो चलते। मारिया, सो गई क्या? नहीं तो। बच्ची सो गई? हाँ अभी अभी। तो चलो प्रयोगशाला चलते। अभी आती हूँ मैं। जरा ध्यान से, हाँ, हाँ। कोई आवाज ना हो। हाँ, बच्ची उठ जाएगी। ठीक है, आराम से। पियर, पियर। क्या बात है मारिया? पियर, पियर वो देखो प्रयोगशाला की खिड़की में। अरे हाँ, कैसा कैसा अजीब नीला सा प्रकाश फैल गया है कमरे में। लेकिन वो मेज पर क्या चमक रहा है? हाँ मारिया, क्या है वो? आओ, चलो चल के देखते। पियर, पियर। मारिया, मारिया, आखिर हमने पा ही लिया। हाँ पियर, हाँ, आज हमारे जीवन की साधना सफल हो गई। आज जो कुछ हमने पाया है उसका फायदा आने वाली अनेक वर्षों तक दुनिया को मिलता रहेगा। ओ मारिया, मारिया, इतनी बड़ी सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुम्हें भी, तुम्हें भी पियर, तुम्हें भी। मारिया, मारिया। साथियों, ये नया तत्व था रेडियम। फिर तो संसार भर में इस वैज्ञानिक दंपति का नाम फैल गया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्हें बधाई संदेश भेजे, और सन 1903 में क्यूरी दंपति को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जानते हो दोस्तों, मैडम क्यूरी को सन 1911 में भी नोबेल पुरस्कार मिला था रसायन शास्त्र में एक खोज के लिए। लेकिन उनकी पहली खोज रेडियम से मानवता का बहुत उपकार हुआ है। रेडियम बहुत सी असाध्य बीमारियों, विशेष रूप से कैंसर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी है।
क्यूरी दंपति चाहते तो अपनी इस महान खोज से बहुत सा धन कमा सकते थे, किंतु मानव सेवा के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और बिना मूल्य लिए उन्होंने फ्रांस की एक व्यापारिक कंपनी को रेडियम बनाने का अधिकार दे दिया। रेडियम जैसे दुर्लभ तत्व की खोज के लिए सारा संसार मैडम क्यूरी को सदा याद रखेगा। मैडम क्यूरी, अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभु दयाल खट्टर, आलेख सत्येश पाठक, कलाकार सुनीति कोहली, राजश्री त्रिवेदी, बाबला कोचर, मोहम्मद अयूब, सुषमा कौशिक तथा आरती बख्शी, ध्वनि अंकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।